आज हम आ की मात्रा करेंगे। आ की मात्रा इतनी न्यारी लग जाती है, जिसके साथ कर देती है उसको बहुत प्यारी। हाँ, बहुत डिफरेंट है, ये है आ की मात्रा। अ तो आपने सीखा ही था, आज शिल्पा मैम मात्रा के बारे में बता रही हैं। और ये है आपकी UKG की बुक, सेल्फ स्वर्ज्ञान, हिंदी की सेल्फ मोटिवेटर। बुक का नाम है सेल्फ मोटिवेटर, ये UKG के लिए है। और ये है स्वर्ज्ञान, इसका नाम है। और इसमें हम आज जो है, आज क्या आपको शिल्पा मैम बता रही हैं आ की मात्रा के बारे में। ये देखो, जैसे ये है क, इसके आगे ये जो है मात्रा लग गई, एक स्टैंडिंग लाइन ऐसे करके खींच दी, तो ये हो गई का। ये क का क्या बन गया, का। ख, ख के आगे मैम ने एक स्टैंडिंग लाइन खींच दी, तो उसी से वो मात्रा बन जाती है। अगर किसी भी वर्ण के आगे, किसी भी हिंदी में ये नियम होता है कि कहीं भी अगर किसी भी वर्ण के आगे आप स्टैंडिंग लाइन अगर आप लगाते हैं तो वो मात्रा कहलाती है, क्योंकि ये हिंदी है। इंग्लिश का सिस्टम अलग है और हिंदी का सिस्टम बिल्कुल अलग है, आपको पता है ना। इसी तरीके से आगे चलते हुए हम ग के आगे एक डंडा लगाएंगे, स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे, तो वो बन जाएगा गा, गा। इसी तरह से घ के आगे अगर हम लगाएंगे एक मात्रा आ का डंडा, तो वो बन जाएगा घा, का, खा, गा, घा। लाइक दिस, चा, छा, जा, झा। आप इसमें देखेंगे तो मैं आपको सब कुछ रीड करके बताऊंगी। टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा। सबके आगे स्टैंडिंग लाइन है, सभी वर्ण के आगे। पा, फा, बा, मा, या, रा, ला, वा, शा, सा, हा, क्षा, एंड ग्या। ये थोड़े से प्रोनाउंस करने में मुश्किल है, क्ष और ग्य। अगर आप इनके आगे स्टैंडिंग लाइन लगाओगे तो ये आ की मात्रा बन जाएंगे। सिंपल, आप जैसे आपने अ लिखा, जैसे मैम एयर में लिख रही हैं अ, ये मैम ने अ लिख दिया। अब इसके आगे एक स्टैंडिंग लाइन अगर लगाई तो वो आ की मात्रा बन जाएगी, वो स्टैंडिंग लाइन मात्रा बन जाएगी, तो अ से आ हो जाएगा। इसी तरह से क, इसके आगे अगर हम एक स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे तो वो क से का हो जाएगा। तो ये UKG की बुक होगी हमारी, दिस इज सेल्फ मोटिवेटर, और ये है स्वर्ज्ञान, इसका बुक का नाम है। तो आज हमने आ की मात्रा सीखी।